जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन नाउ बैक टू स्टडी मोड। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 2, दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक्स दैट बिलोंग्स टू सेमेस्टर 2। हम बाकी के सारे चैप्टर्स जो कि सेमेस्टर 2 के हैं वो अब हम शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सैल्यूटेशन। जय हिंद टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन। सो आफ्टर लॉन्ग वेकेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सो 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 इंटरेस्टिंग एंड द टॉपिक इज पॉपकॉर्न। यस, आप सबको पता ही होगा पॉपकॉर्न क्या है, जो आप हमेशा मूवीज में या तो फ्री टाइम में और एल्स इन योर स्नैक टाइम यू ऑल यूज टू हैव दिस थिंग एंड दैट इज पॉपकॉर्न, जो आप सब लोगों को पता है एंड ऑलमोस्ट सबके फेवरेट है ना। सो नाउ लेट्स स्टडी द पॉपकॉर्न इन डिटेल। नाउ गेट सेट। कॉर्न और मेज इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। नाउ पॉपकॉर्न दैट इज पॉपकॉर्न किससे बनता है, कॉर्न से, स्वीट कॉर्न। आप सबको पता है मकाई, जो हम क्या बोलते हैं मकाई के दाने, है ना, उससे ही क्या बनता है पॉपकॉर्न। लेट अस स्टडी। इट इज कॉल्ड कॉर्न ऑन द कॉप, इंडियन कॉर्न और स्वीट कॉर्न। ये तीनों के तीनों कॉर्न के अलग अलग नेम्स है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या क्या, कॉर्न ऑन द कॉप, इंडियन कॉर्न और स्वीट कॉर्न। आप सब लोग ने स्वीट कॉर्न तो सुना ही होगा। सो उससे ही दैट इज द मकाई, दैट इज अ कॉर्न फ्रॉम विच द पॉपकॉर्न इज मेड ऑफ। पीपल इन साउथ अफ्रीका कॉल इट मिलीज। साउथ अफ्रीका के लोग, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं वैसे ही साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उसे वो क्या बोलते हैं, यानी कॉर्न को दे कॉल इट एज मिलीज। नाउ सबको याद आ गया स्वीट कॉर्न, इससे ही क्या बनते हैं पॉपकॉर्न। सो इसके कर्नल्स, कर्नल्स दैट इज द दाने ऑफ दिस मकाई, इसके छोटे 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 जो दाने हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कर्नल्स, एंड उससे ही क्या बनते हैं पॉपकॉर्न। नाउ पॉपकॉर्न इज अ टाइप ऑफ कॉर्न। पॉपकॉर्न क्या है, वो एक कॉर्न का टाइप है। इट हैज स्मॉल ग्रेन्स, अगेन स्मॉल ग्रेन्स का मतलब क्या बताया मैंने, कर्नल्स एंड ग्रेन्स, दैट इज द स्मॉल स्मॉल ग्रेन्स ऑफ अ स्वीट कॉर्न। यहां आप देख सकते हो पिक्चर में छोटे 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 ग्रेन्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्स। द ग्रेन्स आर वेरी हार्ड, वो कैसे रहते हैं, बाय टच इट इज हार्ड। व्हेन यू हीट देम, मतलब जब आप उसको गर्म करते हैं, द कर्नल्स इन द कॉर्न एक्सपांड एंड गो पॉप, यानी कि जो दाने रहते हैं उसको आप जैसे ही गर्म करते हो तो वो क्या हो जाता है, द कॉर्न एक्सपांड, मतलब एक्सपांड मतलब वो फटते हैं, यानी एंड गो पॉप पॉप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉप, डू मार्क द वर्ड पॉप। The pop meaning is a short explosive sound. जब आप कुछ भी, यानी for example आप ले लो पटाखे, अगर जो फूटते हैं तो वो क्या करते हैं, एक short explosive sound, explosive मतलब जो धमाका होता है। वैसे ही जैसे ये corn पकते हैं, when it heats, यानी जब हम उसको पकाते हैं तब वो एक आवाज करते हैं, that is the pop. एंड कर्नल्स, अगेन कर्नल्स क्या है, वो दाने है, किसके, मकई के, दैट इज ग्रेन्स।
and even we call it as a kernels. Now, do you know how to cook popcorn? क्या आप सबको पता है पॉपकॉर्न कैसे बनते हैं? No? So now, let us go through. Take a little cooking oil. क्या करना है? पहले आप थोड़ा सा cooking oil ले लो. And pour it in the pot. जैसे आप pot or else pan, जो भी आपके घर में है, the utensil. Yes? उसमें हम क्या लेंगे? थोड़ा सा oil. Plop in the corn you want to cook. Now, what is meaning of plop? What is the meaning of plop? That is, वो सारे दाने हम क्या करेंगे? एक छोटे से पैन में पानी के अंदर जैसे ही वो दाने पड़ते हैं तो थोड़ा सा एक साउंड आता है ना? थोड़ा सा क्या? For example, अगर मैं ये बताऊं, पानी में आप स्टोन मतलब अगर पत्थर फेंकोगे तो वो कैसे आवाज करता है? एक शॉर्ट सॉफ्ट सा आवाज, जैसे उसको क्या हम बोलेंगे? प्लॉप. Do keep in mind, pop and plop are different things. Pop is a short explosive sound. जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं तब क्या होता है? Blast. That is explosive sound. But when you call it plop, when you say plop, तो plop का meaning क्या होगा? For example, आप एक पत्थर ले लो, उसको पानी में डालो, तो वो कैसी आवाज करता है? तो उसको हम बोलेंगे plop. So again, plop is a sound. So plop in the corn you want to cook and wait until hot. जब वो गर्म होता है तब तक आप वेट करो. Pop goes the first kernel. उसमें क्या होगा? First kernel मतलब जो मकाई के मैंने grains बोले थे. Yes, मकाई के छोटे छोटे grains that are kernels. Pop goes the next, then pop, pop, pop. तो क्या होता है? वो kernels फटते हैं and then it directly converts into a popcorn. I know, आप सब लोग को समझ में ये नहीं आएगा. So let us see a small video. So let us see a small video how the popcorn has been made. Guess what, Bumble Numbs? The hot sun has set. Time to pick your popcorn cobs for your groovy movie popcorn. Better hurry, it's almost movie time. One. Good, the corn's not popping. Keep picking, Bumble Numbs. Two. Three. Just one more popcorn cob. You can do it. Four. You got 'em, Bumble Numbs. Let's get these popcorn cobs back to the kitchen. The movie's about to start. Hot stepping, Bumble Numbs. Do you have the four popcorn cobs? Amazing! Now that we have the secret ingredient to make our groovy movie popcorn, it's time for the cooking countdown! Ten. Nine. Eight. Seven. Six. You've done it again! And just in time! The movie's about to start! Chief, you can't possibly ask me to be police pals with this guy. He's too much of a wild card. Ho ho ho! Ho ho! Fine. I may have to be police pals with him. But I don't have to like it. Mmm! Mmm!
Wasn't it interesting? बहुत इंटरेस्टिंग था ना वीडियो. सो हमने जो प्रोसेस समझी थी वही वीडियो में था, है ना. तीन फ्रेंड्स जिसको मूवी एंजॉय करनी है, बट मूवी के साथ क्या चाहिए? पॉपकॉर्न. तो उसने क्या किया, चार मकाई उसने गैदर की एंड उसके दाने निकाल के, जैसे हमने पढ़ा था, कुकिंग ऑयल लिया और उसमें उसने दाने डाल दिए एंड इट हैव गोन टू पॉप पॉप पॉप, जैसे कि आपने वीडियो में देखा पॉपकॉर्न कैसे बनता है. एंड उसने लास्ट में थोड़ा सा क्या किया, बटर ऐड किया एंड दे ऑल एंजॉयड द मूवी विद अ पॉपकॉर्न. सारे फ्रेंड्स ने क्या किया, पॉपकॉर्न बना के मूवी के साथ एकदम एंजॉय किया. सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा थ्रू दी वीडियो. अगेन लेट्स नो अबाउट इट. देर इज अ वॉटर इन द कर्नल ऑफ ए पॉपकॉर्न. कर्नल ऑफ ए पॉपकॉर्न, मैंने क्या बताया था, कर्नल मतलब ग्रेन्स, जो आप लेफ्ट साइड पिक्चर में देख सकते हो, मकाई के दाने, उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा वॉटर, वॉटर दैट इज पानी. देन वेन यू कुक द कॉर्न, जब आप उसको पकाते हो इन ड्राई हीट. ड्राई हीट मतलब ड्राई मतलब वेट एंड ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, सूखा हीट. जब आप उसमें पकाते हो द वॉटर इन साइड द कर्नल, तो कर्नल के अंदर जो थोड़ा सा पानी रहता है, कर्नल मतलब ऑन द लेफ्ट साइड इन द पिक्चर यू कैन सी द कर्नल मतलब मकई के दाने ग्रेन्स, उसमें थोड़ा सा जो पानी रहता है तो वो गर्म हो जाता है, गेट्स वेरी हॉट, इट टर्न्स इन स्टीम. अगेन व्हाट इज स्टीम, उसके अंदर जो पानी रहता है तो वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. स्टीम, स्टीम दैट इज धुआं, जैसे आप देखते हो ना इन द राइट साइड इन द पिक्चर यू कैन सी अ स्मोक टाइप, दैट इज अ स्टीम. वो धुएं को हम क्या बोलेंगे, स्टीम. सो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. द हार्ड कवर ऑफ द कॉर्न, हार्ड कवर मतलब जो कोटिंग रहती है, जो कॉर्न्स रहते हैं उसके बाहर का हिस्सा, दैट इज वो बहुत ही हार्ड रहता है, उसका बाहर का कवर कीप्स द स्टीम इन. द हार्ड कवर ऑफ द कॉर्न कीप्स द स्टीम इन, वो हार्ड कवर स्टीम को अंदर ही रखता है, है ना. दिस इज कॉल्ड अ स्टीम, दिस इज कॉल्ड अ स्टीम, धुएं जैसा. बट सून द प्रेशर ऑफ स्टीम बिकम्स वेरी ग्रेट. प्रेशर मतलब उसका प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है, किसका, स्टीम का. बिकम्स वेरी ग्रेट दैट इज बहुत ही ज्यादा हो जाता है उसका प्रेशर. इट पुशेस द हार्ड कवर एंड ट्राइज टू गेट आउट. स्टीम क्या करती है, एकदम प्रेशर बन जाता है, तभी वो कॉर्न का जो मैंने बताया था हार्ड कवर, ये लेफ्ट साइड में आप जैसे ग्रेन्स देख सकते हो, उसका हार्ड कवर जो बना रहता है वो उसमें अंदर एकदम प्रेशर बनता है, तो वो क्या हो जाता है, जब कुछ भी प्रेशर बन जाता है वो फटता है, दैट इज इट एक्सपांस. मैंने क्या बताया था, इट एक्सप्लोज, दैट इज पॉप्स. इट पुशेस द हार्ड कवर एंड ट्राइज टू गेट आउट, वो एकदम प्रेशर क्रिएट करता है. इट पुशेस द हार्ड कवर मतलब वो हार्ड कवर को धक्का लगा के एंड ट्राइज टू गेट आउट, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है. एट लास्ट द स्टीम पॉप्स द कवर ओपन एंड एट लास्ट, सबसे लास्ट में द स्टीम मतलब जो धुआं पॉप्स द कवर ओपन, वो पॉपकॉर्न को ओपन करता है, वुश, है ना, एकदम. मैंने क्या बताया था, पॉप, दैट इज अ शॉर्ट एक्सप्लोसिव साउंड. इन द पिक्चर यू कैन सी जब कुछ भी फटता है, दैट इज व्हेन इट गोस पॉप, देन इट मेक्स अ शॉर्ट एक्सप्लोसिव साउंड एंड फाइनली कर्नल से क्या बन जाएगा, पॉपकॉर्न. यस, नाउ यू हैव फ्लफी पफ्स ऑफ पॉपकॉर्न. नाउ फ्लफी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लफी. अगेन फ्लफी इज समथिंग लुकिंग लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ वूल और कॉटन. आप जो घर में रू रखते हो ना, जैसे फर्स्ट एड किट में, है ना, जो व्हाइट कॉटन रहता है वो कैसा रहता है, फ्लफी, सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, फूला हुआ थोड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लफी. एंड पफ्स, पफ्स दैट इज दिस बिन कॉल्ड एज पफ्स. यस, एन इन्फ्लेटेड और एक्सपांडेड पार्ट ऑफ समथिंग मतलब जो कर्नल थे वो फूल के, दैट इज पफ एंड इन्फ्लेटेड, उसको हम क्या बोलेंगे, पफ्स.
द येलो कलर हैड टर्न्ड इनटू लवली वाइट. तो आप यहां भी देख सकते हो जो येलो कर्नल्स थे द ग्रेन्स ऑफ अ कॉर्न हैज टर्न्ड इनटू अ वाइट पॉपकॉर्न. यस, सो आई होप आपको इन डिटेल इन ब्रीफ यू ऑल हैव नोन व्हाट इज पॉपकॉर्न एंड हाउ पॉपकॉर्न्स बीन मेड. यस, वाजंट दैट इंटरेस्टिंग? सो नाउ एड अ लिटिल मेल्टेड बटर एंड सम सॉल्ट. मतलब आखिर में जब पॉपकॉर्न बन जाते हैं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेल्टेड बटर, मेल्टेड दैट इज पिघला हुआ बटर, है ना, एंड सम सॉल्ट मतलब नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे. एंड फाइनली सिट डाउन विथ योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ बैठ के यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय द पॉपकॉर्न. यस, एंजॉय अ नाइस स्नैक टाइम. सो नाउ दैट वॉज ऑल. The topic was so interesting. Yes. So now let's move further with the exercise for the same chapter. Read and find. Choose the correct word to fill in each blank. आपको एक correct word choose करना है हर एक fill in the blanks के लिए. The first is popcorn grains are big or small. Popcorn के grains जो मैंने बताया था ना yellow color के ग्रेन्स किसके, मक्के के, स्वीट कॉर्न के, वो कैसे रहते हैं, छोटे या बड़े? यस, स्मॉल, छोटे रहते हैं दाने. सेकेंड, अनकुक्ड पॉपकॉर्न इज वाइट और येलो. जब तक वो दाने पॉपकॉर्न ना बन जाए तब तक वो दाने के कलर कैसे रहते हैं, ग्रेन्स के कलर कैसा रहता है? मैंने क्या बताया था, जो येलो कन्वर्ट हो जाएंगे वाइट में, बट जब तक वो पॉपकॉर्न नहीं बन जाते तब तक इट रिमेन्स येलो. सो द करेक्ट आंसर इज येलो. थर्ड, कुक्ड पॉपकॉर्न इज व्हाइट और येलो. जब पॉपकॉर्न कन्वर्ट हो जाता है, जब ग्रेन्स से पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगा तब पॉपकॉर्न कैसे कलर के बन जाएंगे, व्हाइट. यस. फोर्थ, अनकुक्ड पॉपकॉर्न इज सॉफ्ट और हार्ड. जब तक पॉपकॉर्न नहीं बनता तो उसके ग्रेन्स, उसके कर्नल्स, वो कैसे रहते हैं, सॉफ्ट या हार्ड? मैंने बताया था ना येलो कलर के जो दाने रहते हैं वो कैसे रहते हैं, हार्ड. सो द करेक्ट आंसर इज हार्ड. एंड फाइनली द फिफ्थ एंड लास्ट ब्लैंक इज चूज पॉपकॉर्न, कुक्ड पॉपकॉर्न इज सॉफ्ट और हार्ड. जब पॉपकॉर्न बन जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, फ्लफी. तो फ्लफी का मीनिंग मैंने कैसे बताया था, फर्स्ट एड किट में जो मैंने क्या बताया था, कॉटन रहता है जो रू, उस वो कैसा रहता है, सॉफ्ट एंड फ्लफी. यस, तो कुक्ड पॉपकॉर्न कैसा रहेगा, एकदम सॉफ्ट. सो द करेक्ट आंसर इज सॉफ्ट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कुकिंग पॉपकॉर्न, पुट देम इन राइट ऑर्डर. तो हमने वीडियो में भी समझ लिया पॉपकॉर्न कैसे बनता है, एंड इवन वी हैव द फुल रेसिपी, है ना. जब आप कुछ भी पकाते हो तो आपके पास क्या रहेगी, रेसिपी. सेम लाइक वाइज हमने उसमें भी रेसिपी में भी पढ़ लिया, एंड यू ऑल्सो हैव अ शॉर्ट अमेजिंग वीडियो थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द पॉपकॉर्न्स बीन मेड. सो द सेम लाइक वाइज आपको उसी तरह सेंटेंस आपको फॉर्म करना है. यू हैव टू अरेंज दोज सेंटेंस इन द राइट order, कैसे पॉपकॉर्न बनता है. सो हाउ इट्स बिन मेड, टेक आउट योर कुकिंग पॉट. आप कैसे लोगे, एक पैन लोगे, उसमें क्या करोगे, थोड़ा सा, नेक्स्ट स्टेप इज यू विल बी पोरिंग सम ऑयल. पोरिंग मतलब उसमें आप ऑयल डालोगे. पुट इन द कॉर्न यू वॉन्ट टू कुक. आप उसमें कॉर्न डालोगे. लाइट योर स्टफ एंड पुट द पॉट ऑन इट. फिर आप गैस जलाओगे, उस पर आप क्या करोगे, वो सेम पॉट को रख दोगे. वेट अंटिल द पॉट इज क्वाइट हॉट. आप वेट करते हो जब तक वो गर्म ना हो जाए. पॉप गोज द फर्स्ट कर्नल. उसमें क्या जाएगा, फर्स्ट कर्नल मतलब द ग्रेन्स ऑफ द कॉर्न. पॉप गोज द नेक्स्ट मतलब वो गर्म होने के बाद क्या होंगे, पॉप, दैट इज अ शॉर्ट एक्सप्लोजिव साउंड. वो फटके पूरा पॉपकॉर्न में कन्वर्ट होता है. देन पॉप 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 गो ऑल द रेस्ट. मतलब एक के बाद एक दाने किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉपकॉर्न में. सो दिस वॉज द होल प्रोसेस. यू हैव टू पुट इन द राइट ऑर्डर. एक के बाद एक स्टेप आपको राइट ऑर्डर में रखते जाना है.
मूविंग टू द थर्ड दैट इज आंसर ईच क्वेश्चन. आपको ईच क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट में देने हैं. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज व्हाट इज पॉपकॉर्न. पॉपकॉर्न क्या है? पॉपकॉर्न इज अ टाइप ऑफ कॉर्न. वो एक कॉर्न आती है जैसे मकाई, तो उसकी एक टाइप है. गिव सम डिफरेंट नेम्स ऑफ कॉर्न. तो आपको कॉर्न के अलग अलग नाम बताने हैं. क्या क्या हमने पढ़ा था? कॉर्न ऑन द कॉब, इंडियन कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मिलेस. यस, दैट वर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द कॉर्न. थर्ड, नेम द थिंग्स यू नीड टू कुक पॉपकॉर्न. आपको पॉपकॉर्न बनाने के लिए अलग अलग थिंग्स जो पॉपकॉर्न बनाने में यूज होती है उसका नाम देना है. जैसे कि गैस, पॉट लगता है, फिर ऑयल यूज होता है, एंड सबसे मेन कॉर्न. वो तो ज्यादा लगती है, दैट इज द मेन थिंग, कॉर्न. लाइकवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे देने हैं? इन शॉर्ट. यस, मूविंग ऑन टू द वर्ड पावर. कंप्लीट द इनकम्प्लीट स्पेलिंग्स. यहाँ पे जैसे आप देखोगे लर्न वेल में, तो कोई कोई स्पेलिंग्स इनकम्प्लीट है. यस, सम ऑफ द स्पेलिंग्स आर इनकम्प्लीट, तो आपको उसको कंप्लीट करना है. यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हैं इनकम्प्लीट वर्ड्स और स्पेलिंग्स. यस, सो द फर्स्ट इज आई वॉन्ट सम कुकिंग ऑयल. आई हैव पुट ऑलरेडी आंसर ओवर हियर. यस, इन द लर्न वेल यू कैन सी द मिसिंग वर्ड ऑफ द स्पेलिंग. आप लर्न वेल में जाओगे तो देखोगे कोई कोई वर्ड्स जो है वो मिसिंग है, तो आपको उसका करेक्ट स्पेलिंग लिखना है. एंड इवन द मिसिंग वर्ड, सॉरी मिसिंग लेटर. यस, सो ओवर हियर आई वॉन्ट सम कुकिंग ऑयल. सेकेंड इज डैश हैज स्मॉल ग्रेन्स. पॉपकॉर्न हैज स्मॉल ग्रेन्स. थर्ड, डैश गिव मी सम डैश. प्लीज गिव मी सम बटर. फोर्थ, द डैश ऑफ माई शर्ट इज डैश. द कलर ऑफ माई शर्ट इज येलो. फिफ्थ, आई हैव मैनी डैश इन माई डैश. फ्रेंड्स एंड क्लास, दैट इज आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन माई क्लास. लाइकवाइज ऑल दिस सेवन सेंटेंसेस यू हैव टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट स्पेलिंग्स. जो इनकम्प्लीट स्पेलिंग्स है आप लोगों को उसको सेंटेंस में कंप्लीट करना है. मूविंग ऑन टू द सेकेंड दैट इज चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक. आपको एक करेक्ट वर्ड दो ऑप्शंस में से लेना है हर एक ब्लैंक के लिए. फर्स्ट, पुट इट ओवर देयर और देयर. सो नाउ देयर और देयर, उसमें डिफरेंस क्या है? देयर मतलब वहां, यहां और वहां, है ना? मैंने ऑपोजिट्स बताए थे, यहां और वहां. यहां मतलब हियर, वहां मतलब देयर. तो देयर इज वहां रखना. एंड और देयर, देयर मतलब उसका. जैसे मैं आप लोगों को बता दूंगी वो टिफिन किसका है, तो वो टिफिन राज का है. दैट इज देयर. एंड देयर मतलब वो टिफिन कहां रखा है, तो वो टिफिन वहां रखा है. दैट इज देयर. तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? पुट इट ओवर देयर मतलब वहां रखना है, आप वहां पे रख दो. तो द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन, देयर, टी एच ई आर ई. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, आई वॉन्ट स्मॉल और लिटिल कुकिंग ऑयल. मुझे थोड़ा सा या तो छोटा सा कुकिंग ऑयल चाहिए. स्मॉल मतलब छोटा सा, लिटिल मतलब थोड़ा सा. तो आप लोगों ही मुझे बताओ क्या करेक्ट ऑप्शन है. लिटिल, मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए, ना कि स्मॉल. स्मॉल मतलब छोटा सा, ऑयल छोटा सा तो नहीं होता. सो द क्वांटिटी हैज बीन मेजर्ड, है ना? तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज लिटिल. थर्ड, कुकिंग द कॉर्न इन ड्राई हॉट और हीट. हॉट मतलब गर्म, है ना, और हीट मतलब गर्मी. तो आप क्या बोलोगे? हॉट या तो हीट, तो आप बोलोगे हीट. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज हीट. कुक द कॉर्न इन ड्राई हीट, आप गर्मी में, है ना, कुक
द कॉर्न इन ड्राई हीट, दैट इज गर्मी में आप क्या पकाओगे, कॉर्न. फोर्थ, द कवर ऑफ द कॉर्न इज क्वाइट और क्वाइट हार्ड. जो कॉर्न का कवर रहता है, जो मैंने बताए थे येलो दाने, उसके बाहर का पार्ट वो कैसा रहता है, हार्ड. यस, तो क्वाइट और क्वाइट. तो क्वाइट का मतलब दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, क्यू यू आई ई टी, मतलब चुप रहना, दैट इज क्वाइट. बी साइलेंट, है ना, आपको क्लास में बोला जाता है ना, बी क्वाइट. जब आप लोग बोलते हो या तो बातें करते हो तो टीचर आपको क्या बोलते हैं, बी क्वाइट, दैट इज चुप रहना. एंड द अदर ऑप्शन इज क्यू यू आई टी ई, मतलब काफी. सो विच इज द मोस्ट सूटेबल, क्वाइट हार्ड, है ना, द सेकेंड ऑप्शन क्वाइट, चुप रहना तो नहीं आएगा. देन द सेकेंड ऑप्शन दैट इज क्वाइट हार्ड. तो कॉर्न के बाहर का कवर इज काफी हार्ड, दैट इज क्वाइट हार्ड. आप लोगों को स्पेलिंग भी डिफ्रेंशिएट करना है यहां पे. दिस ऑलमोस्ट साउंड सेम, वो सिमिलर साउंड करेंगे, बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज थ्रू दी स्पेलिंग. स्पेलिंग देख के आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सा सूटेबल वर्ड है. यस, नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इजी. हम पहले से ही करते आए हैं, इवन इन द सेमेस्टर वन काफी एक्सरसाइज में वी हैव डन दिस थिंग. यस, सम वर्ड्स आर मेड ऑफ टू वर्ड्स. कोई कोई वर्ड्स जो है वो दो वर्ड को मिला के बनते हैं, वी कॉल देम क्या, कंपाउंड वर्ड्स. जैसे ही हम दो वर्ड मिला देते हैं उसको, तो वो फॉर्म करते हैं क्या, कंपाउंड वर्ड्स. सो द फर्स्ट इज पीनट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पीनट, तो आप जो सिंग खाते हो ना, पीनट्स, दैट इज अ सिंग, जो आप खाते हो उसका हम क्या बोलेंगे, पीनट. सो पी एंड नट बोथ कंबाइंस एंड फॉर्म द वर्ड पीनट, दैट इज अ कंपाउंड वर्ड, टू स्मॉल वर्ड, दैट इज पी प्लस नट फॉर्म्स पीनट. सेकेंड, नेक टाई, नेक प्लस टाई फॉर्म्स नेक टाई. थर्ड, फुटबॉल, फुट एंड बॉल, दिस टू स्मॉल वर्ड मेक्स द कंपाउंड वर्ड, दैट इज फुटबॉल. फोर्थ, सनलाइट, सन एंड लाइट, अगेन दिस टू स्मॉल वर्ड्स फॉर्म वन कंपाउंड वर्ड, दैट इज सनलाइट. फिफ्थ, कबर्ड, कप एंड बर्ड, दैट इज कबर्ड. एंड द लास्ट, फ्लावर पॉट, फ्लावर एंड पॉट, दिस टू स्मॉल वर्ड्स मेक्स अ वन कंपाउंड वर्ड, दैट इज फ्लावर पॉट. द सेम लाइकवाइज यू हैव टू फिनिश दिस ऑल कंपाउंड वर्ड्स. नाउ मूविंग ऑन टू द ग्रामर इन यूज, ग्रामर का पार्ट आ गया यहाँ पे. सो यू ऑल हैव टू पे अटेंशन, क्लोज अटेंशन इन दिस ग्रामर पोर्शन. यस, सो लुक एट द पिक्चर, देन फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई वी यू ही शी इट दे. आपको यहाँ पे तो पिक्चर मेंशन नहीं किया है, बट इन द लर्न वेल आपको लर्न वेल साथ में रख के पिक्चर्स देखने हैं, उसमें क्वेश्चंस है, तो वो पिक्चर्स को देख के आपको सूटेबल आई वी यू ही शी इट दे का यूज करके आपको सूटेबल फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है. सो नाउ यहाँ पे तो बोल दिया कि आपको ये सारे वर्ड्स, दैट इज आई वी यू ही शी इट एंड दे यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करनी है. बट ये सब क्या है, विच आर ये वर्ड सारे क्या है, वॉट आर वी आर गोइंग टू कॉल इट एज. यस, तो ये सारे के सारे, दैट इज आई वी यू ही शी इट और दे, इन सबको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउंस, दैट इज पर्सनल प्रोनाउंस. आई नो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा. सो टेकिंग वन एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ. यस, पर्सनल प्रोनाउंस. सो पर्सनल प्रोनाउंस, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से राज इज एब्सेंट बिकॉज राज इज इल. राज क्या है क्लास में, एब्सेंट है, वो नहीं आया है. क्यों, क्योंकि राज इल है, इल मतलब बीमार. सो नाउ राज इज एब्सेंट बिकॉज राज इज इल, राज एब्सेंट है क्योंकि राज बीमार है. तो मैं यहां पे दो दो बारी राज यूज करूंगी, इंस्टेड में दो बार
नेम्स क्या करूंगी, राज राज राज, है ना, दो बारी रिपीट होता है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे व्हाट इफ आई यूज ही, राज इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। मैंने दो दो बारी नाम यूज करने से बेहतर है मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ही। वाई ही, बिकॉज इट्स अ मेल। हमने क्या पढ़ा था, किस में पढ़ा था, मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में पढ़ा था ना, ही वर्ड्स एंड शी वर्ड्स, तो राज क्या है, ही वर्ड, यस। सो राज एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है, ना कि मैंने लगाया राज इज एब्सेंट बिकॉज राज इज इल। राज 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 ऐसे रिपीट करने से बेहतर है आई यूज ही इंस्टेड ऑफ राज। सो द फाइनल इज राज इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। सो नाउ व्हाट इज प्रोनाउंस, व्हाट इज प्रोनाउंस, तो राज यहां पे क्या है सेंटेंस में, एक नाउन है, क्या है, नाउन। सो नाउन को रिप्लेस करता है क्या, प्रोनाउन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। राज इज नाउन, सो नाउन को निकाल के, जैसे हमने दूसरी बार राज को निकाल के क्या रिप्लेस कर दिया, ही, सो ही इज अ प्रोनाउन, यस, ही क्या है, प्रोनाउन है। सो जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, यस, द नाउन इज बीन रिप्लेस्ड, जो नाम रिप्लेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन को निकाल के हम जो वर्ड यूज करते हैं, हमने यहां पे एग्जांपल में क्या यूज किया था, ही, तो ही क्या है, प्रोनाउन, उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। सो नाउ व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस के मतलब क्या होते हैं, पर्सनल मतलब आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। पर्सनल, द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज और डिनोट्स अ पर्सन, एक आदमी, है ना, पर्सन। लोग, वो क्या डिनोट करता है, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आपने समझ लिया, नाउन को निकाल के जो वर्ड यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। बट पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो लिस्ट है यहाँ पे वो पर्सनल प्रोनाउंस है। बट पर्सनल प्रोनाउंस, द नेम इटसेल्फ डिनोट्स अ पर्सन, पर्सन मतलब लोग, जैसे कि मैं, आप, हम सब, है ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, पर्सन्स। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू यूज एन एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, आप लोगों ने खाना खाया, हम सब लोगों ने खाना खाया, मैंने मतलब आई हैड अ फूड एंड यू ऑल हैड फूड एंड वी ऑल हैड फूड, है ना, मैंने खाना खाया, आपने खाना खाया और हम सब ने खाना खाया, तो वो क्या सिग्निफाई करता है, एक पर्सन को ही एट लास्ट, यस। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। सो नाउ अगेन, फर्स्ट फोर दैट इज आई, ही, शी और इट, वो सारे सिंगुलर है, वो सारे क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब कोई भी एक ही पर्सन को सिग्निफाई करता है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन पर्सन, अगर एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लूरल, जैसे कि आई, आई मतलब मैं, तो मैं एक अकेली हो गई, दैट इज अ सिंगुलर। अगेन ही, ही मतलब वो, द ही वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स अ मस्कुलाइन जेंडर, तो वो भी एक सिंगुलर हो गया। शी मतलब वो लड़की, वो भी एक हो गई। इट, तो ये चारों के चारों हो गए सिंगुलर प्रोनाउंस। यस, इन द लिस्ट यू कैन सी द फर्स्ट फोर वर्ड्स दैट इज आई, ही, शी, इट, वो चार प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है। एंड द लास्ट थ्री, वी, यू, दे, वी मतलब हम सब, यू मतलब आप सब, एंड दे अगेन इट रिप्रेजेंट्स वो सब, तो ये सारे के सारे प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, अगर मैं बोलूं हम, दैट इज वी, हम लोग, है ना, तो मैं नहीं हूं सिर्फ, आप लोग भी मेरे साथ हो, तो ये बन गया वी, दैट इज प्लूरल, एक से ज्यादा है। सो नीचे के तीन जो है इन द पर्पल कलर यू कैन सी आर ऑल प्लूरल प्रोनाउन, द फर्स्ट फोर इज सिंगुलर एंड द लास्ट थ्री इज प्लूरल। सो आई के साथ लग जाएगा एम, he, then is,
she is, it is. But when it comes to plural, तो वी के साथ लग जाएगा आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर. वाई? बिकॉज इट्स इन प्लूरल, इट्स इन प्लूरल. सो नाउ आई नो इट्स सो कंफ्यूजिंग, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज आप लोग को ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, डैश आर माई फ्रेंड्स, डैश आर माई फ्रेंड्स. अब यहां पे ऑलरेडी आर आ गया, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये प्लूरल है, एक नहीं है, प्लूरल है. तो डैश आर माई फ्रेंड्स, तो विच इज द सूटेबल प्रोनाउन इज दे, वो लोग मेरे फ्रेंड्स है. दे मतलब वो लोग मेरे फ्रेंड्स है, एक नहीं है, एक से ज्यादा है. दैट इज मैंने इंस्टेड सिंगल नाम यूज करने से मैंने वो लोग ही बता दिया. दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, वो लोग मेरे फ्रेंड्स है. सो दे आर माई फ्रेंड्स. मूविंग ऑन टू द सेकेंड ब्लैंक, डैश इज एन ओल्ड लेडी, इज अगेन इज आ गया. तो इज क्या है? सिंगुलर. एंड लेडी मतलब एक औरत, यस एक विमेन. तो शी, दैट इज अ शी वर्ड, लेडी इज अ शी वर्ड. तो अगेन मैं ये कहूं दैट रवीना इज एन ओल्ड लेडी, तो मैंने इंस्टेड ऑफ रवीना मैंने प्रोनाउन किया रवीना इज अ नाउन, बट आई हैव रिप्लेस्ड रवीना विथ शी, दैट इज शी इज एन ओल्ड लेडी. इंस्टेड ऑफ आई एम कॉलिंग रवीना इज एन ओल्ड लेडी, शी इज एन ओल्ड लेडी. मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल, डैश आर वॉचिंग टीवी. तो आप पिक्चर में देखो एक नहीं है, एक से ज्यादा है. दैट बिलोंग्स टू दे आर वॉचिंग टीवी. डैश इज अ गुड प्लेयर, तो यहां पे सिर्फ एक ही बंदा है, एंड इवन अ मेल, लड़की नहीं है, क्या है? लड़का. तो क्या हो जाएगा? ही प्रोनाउन यूज करेंगे, ही इज अ गुड प्लेयर. डैश इज अंडर द बेड, इट इज अंडर द बेड. अभी व्हेन इट बिलोंग्स टू थिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग, जो पर्सन के अलावा जितना जितने भी थिंग्स आते हैं उसके आगे हम क्या लगा देंगे? इट प्रोनाउन, यस इट लग जाएगा. व्हेन इट वॉन्ट बिलोंग मतलब जब वो पर्सन के बिलोंग नहीं करता तब कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? इट, यस. सो इट इज अंडर द बेड. नाउ डैश इज अ लवली फ्लावर, तो फ्लावर क्या हो गया? वो एक पर्सन है, यस वो एक आदमी है? नहीं. सो हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? इट. इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स. अगेन सेवन, डैश एम सेवन ईयर्स ओल्ड, वो किसके बारे में बता रहा है? खुद के बारे में, यस yes? तो क्या लग जाएगा? आई प्रोनाउन, आई एम सेवन ईयर्स ओल्ड, मैं सेवन ईयर्स ओल्ड हूं. एंड द लास्ट, डैश आर लर्निंग अवर लेसन, अवर लेसन मतलब वो किसके बारे में बता रहा है? खुद के बारे में. इसके ऊपर का एग्जाम्पल जो था डैश सेवन ईयर्स ओल्ड, वो भी खुद के बारे में था, बट वहां पे सिर्फ एक ही बंदा था. बट यहां पे बात हो रही है एक से ज्यादा की, तो हम, दैट इज वी आर लर्निंग अवर लेसन, इसीलिए क्या लग जाएगा? वी प्रोनाउन. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और एल्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू बेटर इन वीडियो, ओके. इन लाइव सेशन में आपको और भी ज्यादा क्लियरली समझा दूंगी. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ ही शी इट दे. अगेन सेम आपको प्रोनाउंस यहां पे भी यूज कर लेना है. डैश इज अ टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की है, तो लड़की अगेन इज अ शी वर्ड, तो यहां पे शी इज अ टॉल गर्ल. सेकेंड, डैश इज अ लिटिल पप, पप मतलब एक छोटू सा डॉगी है, यस yes? तो मैंने क्या बताया था? पर्सन के अलावा जितने भी है, when it denotes to animal or else non-living thing, चाहे वो animal हो चाहे non-living thing हो, उसके आगे it pronoun use होगा. कौन सा? it. Third, dash is a clever boy, यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, then he pronouns been used, he is a clever boy. Dash are old women, dash are old women, एक से ज्यादा women है, yes एक से ज्यादा woman है, तो क्या हो जाएगा? दे वो सब एक बुद्धि विमेन्स है. नाउ डैश इज अ बिग बैंगो, अगेन व्हेन इट कम्स टू
पर्सन के अलावा जितने भी है, दैट इज अ बिग मैंगो. यहां पे क्या बात हो रही है, मैंगो की. तो मैंगो में क्या लग जाए, कौन सा प्रोनाउन, इट. एंड द लास्ट डैश इज अ गुड डांसर. ये लड़की एक बहुत ही अच्छी डांसर है. तो क्या लग जाएगा, लड़की, दैट इज शी वर्ड. देन अगेन शी प्रोनाउन इज बिन यूज इंस्टेड ऑफ डिनोटिंग हर नेम, हमने शी डाल दिया. यस, दो दिस वॉज ऑल फॉर द डे. आपको ये सारी की सारी एक्सरसाइज लर्न वेल में ही कंप्लीट करनी है. एंड ओनली द क्वेश्चन आंसर्स, जैसे बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स आए थे वो आपको नोटबुक में लिखने हैं. उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लर्न वेल में ही हो जाएंगे. यस, सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज आपको अलग अलग ग्रेन्स है जो पहचानने हैं. यस, चार तरह के ग्रेन्स है जो आपको पिक्चर देख के पहचानने हैं. सो नाउ ये यहां पे जो आप देख रहे हो पिक्चर में, वो किसके ग्रेन्स, मतलब किसके दाने हैं, राइस के, है ना, जो आप खाने में लेते हो ना राइस, ये है राइस. दिस इज एन अनकुक्ड राइस, ये एक अनकुक्ड राइस है. दिस आर द ग्रेन्स ऑफ राइस. नाउ ये ग्रेन्स किसके है, वीट के. वीट दैट इज रोटी जो आप खाते हो ना, वो किससे बनती है, वीट फ्लावर से, वीट के आटे से. तो वीट का आटा किससे बनता है, द ग्रेन्स ऑफ वीट से. ये किसके दाने हैं, वीट के. द थर्ड इज द ग्रेन्स ऑफ ग्राम और चिकपी, द ग्रेन्स ऑफ ग्राम और चिकपी. ये किसके ग्रेन्स है, ग्राम के और चिकपीज के. एंड द लास्ट जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था, दिस आर ग्रेन्स ऑफ मेज. मेज मतलब कॉर्न. ये किसके ग्रेन्स है, कॉर्न के. तो विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये किसके ग्रेन्स है. यस, सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे. यू ऑल हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. यस, एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.